नमस्कार सभी भाइयों को, और स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग के अंदर। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली, नो बस नो ट्रेन, दूध के टैंकर में जा रहे हैं। और बहुत दिन बाद में टैंकर में चढ़ने का मौका मिला है, और हम अब आपको दिखाएंगे, देखो टैंकर से कैसे सफ़र करते हैं दिल्ली का। ये टैंकर है अपना, और साथ में है भाई नंदू, मुकेश, मेडी, और जा रहे हैं हम दिल्ली। अभी दिखाएंगे आपको आगे का सफ़र, आप इस तरह बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली बहुत बार गए हैं पर टैंकर में पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं सफर कैसा रहता है अपना। भाई मुकेश पानी की वजह से भी साथ रखे, हमारे साथी मदन तो सो गए, लगता है उनको गहरी नींद आई है, रात को नींद ली नहीं है। मदन का पापा कट गया है, टाइम से कट गया है मदन का पापा, तो हाँ फूड और फोर नहीं बस मान देख मदन जी टाइम पे घाटी में आते हैं, मैं सो तो काम को नींद ही नहीं फुल रात गई। हाँ मदन हो ये जितनी बार भी आप पाओ, आप इतनी बार भी गाड़ी में टैंकर में सो जाओ। तू तेरे के क्या है, मैं भी नींद में कच्चा हूँ, पर आज है नींद आ नहीं लागी है। क्या है तेरा मदन, अबे सबको होना रहा है नंदू भाई जी को। हाँ थोड़ी देर है रोटी खाई, नींद आ ना रही अपन है तो यार दो ही रही जागता, तो दिन पर बहुत हो गया। क्या है फिल्म में महेंद्र जी मन बना लो, तो दिल्ली दूर नहीं है, वहाँ बात है जी, आप दिल्ली दूर कौन है, सोयन रह गया नहीं दिल्ली, ट्रैफिक बहुत है रोड, महेंद्र जी उजाड़ा देखी जगह ड्राइवर भी ले जी, फोर लेन बन जाए तो थोड़ी सुविधा बढ़िया होगी। ट्रैफिक ट्रैफिक मेरे तो एक ड्राइवर की चिंता रहता है, भाइयों अब खाएंगे खाना, होटल आ गया है भाई, चौधरी वास पहुंचे हैं और अब यहाँ पर खाएंगे खाना। ये अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है देख लो, ये पास में पंप है यहाँ पर चौधरी वास में, बहुत बढ़िया होटल है खाने के लिए। जय माँ करनी राजस्थान भोजनालय होटल है यहाँ पर, और बहुत बढ़िया होटल है यहाँ का। यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है भाइयों, कभी भी आओ तो चौधरी वास है यहाँ पर, चौधरी वास गांव का नाम है, और बहुत ही शानदार खाना देते हैं यहाँ पर। भाई मदन बैठा है मोबाइल मचका रहा है, ये नंदू की क्या समझा रहा है पता नहीं मुकेश को। और भाई और बढ़िया भाई जी, बढ़िया खाना में कहते हो क्या, मैं बोलूं दाल फ्राई, दाल मखनी, दाल तड़का, चना मसाला, बेसन खट्टा, सेव भाजी, सेव मटर, एक ये सांगरी कर दो, एक सेव भाजी कर दो, वेज पुलाव, एक वेज पुलाव कर दो, तवा रोटी कर दो। भाई हिसार से आते हैं तो कम से कम 20 किलोमीटर पहले है क्लासी साइड होटल है, जय माँ भवानी भोजनालय राजस्थानी होटल है, बहुत शानदार खाना देते हैं यहाँ पर। ये भैया सेव भाजी है, और ये केसांगरी सलाद आ गया, रोटी की तैयार है,
रोटी आ जाए फिर खाएंगे खाना। और ये आ गई रोटी, हम खाएंगे खाना और खाना खाने करने के बाद आपको मिलते हैं। भाइयों खाना खा लिया और बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया, बहुत ही बढ़िया लगा। और ये चौधरी वास होटल है और बहुत ही शानदार होटल है, बहुत ही बढ़िया खाना खवाते हैं। और मौका मिले तो जो भी, ये खड़ी अपनी गाड़ी, अभी इसमें चढ़ेंगे और जाएंगे दिल्ली। नंदू, मदन, मुकेश, वेलकम टू माय लैंड। नंदो चढ़ जा, हम करा ला रहे चलो जाए। केन तू खानो क्या लागो? जोरदार हो के बढ़िया बढ़िया। मैं तो सभी भाइयों ने कहना चाहूं तो का बीकानेर हूं वो गुआ भाई मैं वो तो दरवाजा होटल रुकिया गरगो से खानो खाओ। किसो का खानो? गरगो से खानो खानो। यहां बहुत बढ़िया खानो पड़े ना। भाई मिला आप दिल्ली में सीधा रुपये में खानो खा लिया जी बढ़िया मुकेश। भाइयों बहुत ही एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, खास नुकसान तो नहीं हुआ, पुलिस वगैरह आ गई यहाँ पर। भाई हम कुछ दूर गाड़ी हम चलाएंगे, मुकेश थोड़ा आराम करेगा फिर अपन कुछ दूर चलाएंगे गाड़ी। मदन नंदू पीछे बैठे हैं, किसे का और अभी हमारी यात्रा में जगदीश भाई आप सबके ब्लॉगर किंग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, भारत बेंज का आनंद ले रहे हैं चलाने का, इन्हें कुछ गाड़ियों का ज़्यादा ही शौक है। हम किसी भी रूट पे जाते हैं तो ये अपना टाइम निश्चित रखते हैं कि मुझे इस टाइम गाड़ी चलानी है, और इनकी ड्राइविंग के तो फैन है हमारे जितने भी ग्रुप के बंदे हैं वो सब। आप सब लीजिए इनकी ड्राइविंग का मजा, इनका अंदाज है वो निराला ही है गाड़ी चलाने का, रगड़ कर नाक रहे हैं ऊपर नीचे। वैसे अभी टाइम कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, 10 बजे हैं, लेकिन रोड पे ट्रैफिक उतना ही ज्यादा है। ट्रक ड्राइवर की लाइफ आप सबको पता होगा, एक निराली लाइफ होती है, देश की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत स्तंभ है, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना ये पूरी पूरी रात एक जगह से दूसरी जगह पर अपना गंतव्य कंप्लीट करते हैं।
बाकी आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। कल का पूरा दिन हम आपको दिल्ली की सड़कों पे अलग अलग जगह घुमा के आपके मनोरंजन में चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। भाइयों रोहतक से निकले हैं और अब मुकेश चाय पिएगा। मदन सो रहा है पीछे, नंदू वहाँ पर रील देख रहा है। ये होटल है फौजी का ढाबा, फौजी ताऊ का ढाबा होटल है। यहाँ पर अभी मुकेश चाय पिएगा, फिर दिल्ली पहुँचने में अब घंटा पर लगेगा। भाइयों मुकेश ने चाय पी ली है और अब रवाना होंगे यहाँ से। बस दिल्ली यहाँ से एक घंटे का रास्ता और रहा है, घंटे भर में दिल्ली पहुँच जाएंगे। रात रात गाड़ी में सोएंगे और सुबह यहाँ से जो काम होगा वो करने निकल जाएंगे। अब गाड़ी चलाएगा मुकेश। भाइयों बहुत बुरा हमारे साथ, टैंकर में केवल दो ही बंदे अलाउ थे और हम थे चार, और उन्होंने कहा आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा। तो हम तीनों निकल गए हैं बाहर, अब कोई होटल का रूम देख रहे हैं और होटल में जाएंगे। क्या नंदू क्या हाल है, की बात है नंदू? धक्को देर बार काट जब भाई आज तमाम। तो चलो कुछ नहीं, एक नया तजुर्बा मिलेगा दिल्ली की सड़कों पे रात को घूमने का। गुड आफ्टरनून भाइयों, रात को लगभग 2:30 बजे पहुंचे थे दिल्ली और फोन हो गया था स्विच ऑफ। अब कोई शॉप से केबल लेके फ़ोन चार्ज किया है और अभी थोड़ा काम से आए हुए हैं बाहर। किसी का निर्माण विहार आए हुए हैं, कोई सामान लेना है और यहाँ से सामान लेने के बाद में अपन कहाँ पर जाएंगे? जफार मार्केट करोल बाग भी, वहाँ पर भी काम है और मिलते हैं आगे आगे करने। गुड आफ्टरनून, क्या नंदू क्या लगा है दिल्ली में? दिल गार्डन गार्डन है। क्या हो अभी हमने 70,000 से सामान लिया है, दो डायलॉग मार दो और अब हम जा रहे हैं 30,000 मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे हम लक्ष्मी नगर से। हम मेट्रो 30,000 वाले जो सवारे आजा। भाइयों मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे यहाँ से राजेश तो अपना दोस्त है जी स्टेशन के पास। मेट्रो आ रही है, ये तो नंदू और मदन साथ में अपने, मेट्रो गाड़ी आ गई है, ये मेट्रो आ गई है, इसमें चढ़ेंगे अपन। भाई हमारा टैंकर किसी और के थ्रू होता है वो 15,000 में। अब ऐसा पलंग हो
भाई राजा के पास आए हैं अभी और राजा के साथ जाएंगे अपने राजा के रूम पे और फिर खाना खुना खाएंगे और सुबह निकलेंगे जल्दी यहाँ से। अपना टैंकर खाली हुआ नहीं अभी तक। राजा का ये है ना, देख लो ये राजा की पोस्ट है। भाइयों गाड़ी खाली हो गई है और अब रवाना करेंगे यहाँ से, क्योंकि दिल्ली में 11:30 बजे लगभग नो एंट्री खुलती है, उससे पहले निकल नहीं सकते। तो अभी निकलेंगे यहाँ से और यहाँ पर देखो मुकेश साफ कर रहा है गाड़ी के, अब रवाना होंगे और सुबह तक घर पर पहुँचेंगे। पूरा दिन लग गया पूरा दिल्ली में आज, क्योंकि पूरे दिन काम था और अभी गाड़ी खाली नहीं हुई थी पहले, और गाड़ी खाली होगी और अब निकलेंगे। गुड मॉर्निंग भाइयों, जहाँ पर खाना खाया था वहाँ पर पहुँच गए वापस और मुकेश ने चाय पी ली, नंदू फ्रेश होके आ गया, अब घर जाएंगे। 4-5 घंटे लग जाएंगे रास्ते में। ये नंदू जी सो रहे हैं के? हाँ? और तगड़ो जी सो रहे हैं। मदन को घटाया है? मदन जी सुते हैं। उठे कौन करते हैं? मुकेश। आगे सब जारी रखो। रख देंगे। और आगे तुम दाल रखी। धुंधा रखी है। लारे से के भाग गए, धुंध है थोड़ी थोड़ी। रात तो खैर मेहमारा, मैं तो क्लियर नहीं।